हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। गणेश चतुर्थी पे हम मोदक बनाएंगे। चलिए मोदक बनाना शुरू करते हैं। हाफ के जी हमने ये बेसन जो है साफ़ करके ले लिया है। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, चूल्हे को हमें ऑन कर देना है। इसमें डालेंगे हम देसी घी। देखिए हमने एक करछी ये डाल दिया, तुरंत हमने घी जो है तैयार किया था। ये दूसरी करछी डालना है, आधा पाव के अनुसार ये हमने इसमें घी जो है डाल दिया है। घी गर्म होने लगा है, इसमें हम बेसन को डाल दें। बेसन हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे लगातार चलाते हुए बेसन को हमें भून के तैयार करना है। बेसन को घूमते हुए हमें 5 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं कैसे ये पकड़ा ऐसे ही। अब इस समय हम इसमें जो है बादाम डाल देते हैं। हमने बादाम 10-12 बादाम हमने काट के ले लिया है। अब बादाम को भी हम साथ में भून लेंगे। 15 मिनट लगा है, बेसन जो है भून चुका है, आप देख सकते हैं कलर जो है बहुत ही प्यारा और डार्क मतलब कलर हो गया है। अब इस समय हम इसमें पानी के कुछ छींटे मारेंगे। देखिए इसमें पानी के छींटे मार देने से ये कि जो ये बेसन के मोदक बनाएंगे एकदम दनेदार हलवाई के जैसे बेसन के मोदक जो है बन के तैयार होंगे। अब हमने जो ये छींटा मार दिया है, अब इसके साथ भी हमें अच्छे से भूनना है। बेसन जो है दानेदार हो जाएगा, बहुत ही फुला फुला फ्लफी। देखिए आप देख सकते हैं कैसे ये होने लगा है ऐसे ही। अब इसका जो पानी का छींटा हमने दिया है, अब इसे भी हमें पकाना है मतलब इसे भूनना है। देखिए अब इसे भी हम भून लेते हैं। बेसन जो है भून चुका है, अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब इसे निकाल लेते हैं हम थाली में और इसी में हम तगाड़ जो है बनाएंगे। उसी कढ़ाई में हमने 1/2 kg चीनी ले लिया है। बेसन 1/2 kg था, बराबर ही चीनी लगती है। देखिए हमने चीनी जो ले लिया है, अब हम कढ़ाई में हमने ले लिया है, चूल्हे को ऑन कर देना है। अब इसमें डालेंगे हम पानी डाल देते हैं और इसका तगाड़, बूरा जो बोला जाता है, तगाड़ या बूरा आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, घर पर बना सकते हैं, बहुत ही आसान है बनाना। घर पर बनाएंगे, सस्ते में ही बन जाता है। देखिए अब इसे हमें लगातार चलाते हुए बूरे को तैयार करना। तगाड़ जो है तैयार हो गया है, अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। इसमें बबल्स जो आने लगे हैं बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। अब हम चूल्हे को बंद कर दे रहे हैं, तगाड़ जो है तैयार हो चुका है। बूरा जो है ठंडा हो गया है, देखिए कितना अलग अलग हो गया है। आप इस तरीके से बहुत आसानी से घर पर जो बूरा तगाड़ जो बोला जाता है इसे बना सकते हैं। देखिए हमने बना लिए हैं, बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुका है। ये हल्का हल्का सा ठंडा है इस समय, देख सकते हैं आप कैसे ये ऐसे ही बाज़ार में महंगे मिलते हैं लेकिन घर पे ये सस्ते में बन जाएंगे। अब जो हम करें डालेंगे ये बेसन जो हमने भून के तैयार किया, आप देख सकते हैं। अब इसको जो है हम डाल देते हैं, इसमें हमने इसे डाल दिया है। अब इसको बेसन को और तगाड़ को एक साथ जो है मिला देते हैं अच्छे से। मिला के हमने शरा तैयार, तगाड़ और बेसन हमने मिला के तैयार कर लिया है। अब हम ले लेंगे 1 चम्मच, अभी ये गर्म है, हम चम्मच से लेंगे और इसमें भरेंगे। देखिए दोनों साइड जो है हमें भर लेना है, इसे हमें मजबूती से डाल के ऐसे दबा देना है दोनों साइड से। देखिए ऐसे करके, देखिए ऐसे हमने इसे भर लिया और वापस से इसे हमें दबा के अच्छे से इसे कर लेना है और साइड से भी नीचे साइड से हमें अच्छे से इसे दबा लेना है, इसे सेट करना है कि मोदक जो है परफेक्ट बने। देखिए ऐसे हम इसे डाल देते हैं और अच्छे से भर लेते हैं। खोल के आपको दिखाते हैं कि मोदक जो है कैसे बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं मोदक जो है कैसे तैयार हो चुका है। अब इसे हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। देखिए बहुत ही परफेक्ट मोदक बने हैं। इस तरीके से सारे मोदक तैयार कर लेते हैं। मोदक जो है बन के तैयार हो गया है, अब इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे। हमने ये प्लेट ले रखी है, हम आपको पास से दिखाते हैं कि मोदक जो है कैसे बनके तैयार हुआ है। इस तरीके से हम सारा जो मोदक है प्लेट में रख लेते हैं। सारे मोदक को हमने प्लेट में रख लिया, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन मोदक जो है बनके तैयार हुआ है। गणपत बप्पा के लिए हमने मोदक जो प्रसाद के लिए मंदिरों में जो प्रसाद मिलते हैं, हमने उस तरीके से मोदक को बना के तैयार कर लिया है। इस तरीके से आप गणेश चतुर्थी पे इस तरीके से आप मोदक को ज़रूर बनाएं।